पेश है हरियाणा की बड़ी खबरें। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस के अध्यक्ष चुनाव पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान विज ने गांधी परिवार पर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव गांधी परिवार के रिमोट की खातिर हो रहा है, चुनाव में सिर्फ रिमोट तय होना है। अनिल विज ने कहा कि गांधी परिवार के सिवाय नए अध्यक्ष पार्टी नहीं चला सकते। अनिल विज ने आगे कहा कि ये किस बात की गांधी है, मैंने महात्मा गांधी का फैमिली ट्री देखा है, नेहरू परिवार का गांधी परिवार से कोई रिश्ता नहीं है। आदमपुर उपचुनाव में सभी उम्मीदवारों का चुनाव प्रचार जोरों पर है। इस चुनाव प्रचार में मतदाता रात को शराब पीकर कुलदीप को अजब गजब शिकायतें कर रहे हैं। आलम यह हो गया कि कुलदीप रात 7 बजे के बाद अज्ञात नंबर से फोन उठाने से कतराने लगे हैं और अपने समर्थकों को इससे पहले फोन करने की गुजारिश कर रहे हैं। हरियाणा में बड़ा धान घोटाला होने की आशंका है। 5 जिलों करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, अम्बाला, यमुनानगर में पिछले साल की तुलना में धान की असामान्य रूप से अधिक आवक हुई है। 5 जिलों में धान की आवक पूरे सीजन के लिए अनुमानित लक्ष्य तक पहुंच गई है। अब प्रदेश में 38.48 लाख मैट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है, जबकि इसी अवधि के दौरान पिछले साल 26.7 लाख मैट्रिक धान की खरीद की गई थी। करनाल के गांव कलवैड़ी के 22 साल के युवक सचिन का शव फूसगढ़ के शमशान घाट में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। शमशान घाट के आसपास रहने वाले लोगों ने शव मिलने की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर करनाल के शव गृह में रखवाया। युवक के सिर पर भारी भरकम चीज से हमला किया गया है। 10 करोड़ का भैंसा सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये सच है। 10 करोड़ का ये भैंसा आपको मेरठ में देखने को मिल सकता है। मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में कृषि मेला लग गया है। इस मेले में पानीपत हरियाणा से 10 करोड़ का भैंसा भी पहुंचा है। इस भैंसे का नाम गोलू है। भैंसे के मालिक नरेंद्र सिंह बताते हैं कि इस भैंसे की कीमत 10 करोड़ तक लग चुकी है। भैंसे के खान पान व देखभाल में प्रति महीने लाखों रुपए का खर्च आता है। वीडियो डेस्क अमर उजाला .com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।